see towards that यहाँ जगह अपनी बेस्ट जिंदगी बिता रहे हैं। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में छोटा सा वीडियो देख लिया हो, जो कि मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बिग बॉस 70 की खिलाड़ी यानी कि बिग बॉस 17 की खिलाड़ी आयशा खान फलस्तीन वालों के लिए, फलस्तीन के बच्चों के लिए फुट फुट कर रही, क्योंकि आप सभी को बताऊंगे फिर एक बार इसराइल ने हमला किया और किस तरह से हमला किया, जहाँ पर फिर से बहुत सारी जाने गई, जहाँ पर छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे मतलब कई सारी जाने गई, और उसके बाद सोशल मीडिया फिर एक बार बवाल मचा, जहाँ पर आप सबको बता दूँ मुनर फारूकी और ऐसे कई बड़े बड़े जो सोशल मीडिया स्टार थे, जो मुस्लिम स्टार थे, उन्होंने वाला फोटो शेयर करा, आपको दिखी रहा हूँ कि देखो आगे बोल के रेफा को आपको दिख ही रहे होगा। लेकिन इसी के बीच आयशा खान जो थी, आयशा खान ने मतलब फुट फुट के रोते हुए क्या बोला, आप सबसे पहले उनका वीडियो देख लीजिए। We all are super aware of the news that's been going around, and it's very heartbreaking to see, to watch that यहाँ जब हम अपनी best जिंदगी बिता रहे हैं, that people who are in wars, people who are being burned alive, people who are being killed. Just so disheartening, and I just saw a video of a refugee has been burnt alive yesterday in Rafah, and I don't know how the world functions. I don't know how an individual I can help this situation, but Allah Taala rahm farmaye, or we need to raise our voices against this, and we need to pray against hate, against crime, and I just hope that. जैसा कि आपने आयशा खान का छोटा सा वीडियो देख लिया, जहाँ पे आयशा खान फूट फूट के रो रही है, और यार ये बात सीरियस भी है कि जिस तरह से फलस्तीन वालों पे जुल्म किया जा रहा, जिस तरह से कई महीनों से वहाँ पे मतलब जंग चालू है ना, जहाँ पे उन्होंने अपनी माएँ गंवा दी, बहनें गंवा दी, बच्चे गंवा दिए, अपना परिवार से दूर हो चुके, अपने घर से बेघर हो चुके, भूख के मारे मर रहे, मतलब ऐसी हालत बस से बदतर हो चुकी ना वहाँ पे के लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जंग अगर एक महीने की रहती तो ठीक, एक हफ्ते रहती तो ठीक, लेकिन ये कई महीनों से चलती हुई आ रही है, जहाँ पे इसराइल कंटिन्यू उन पर हमला कर रहा है, कंटिन्यू हमला कर रहा है, और इस बार तो अभी ऐसा हमला किया कि वहाँ पे कई सारे बच्चे, कई सारे नौजवान, कई सारे माँ बहनें मर चुकी हैं। लेकिन इसी पर आपका क्या बोलना, मुझे कमेंट करके बताइए, हम तो सिर्फ उनके हक में दुआ कर सकते, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सारे फलस्तीन वालों के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको ये सारी चीज़ों से निजात दिला दे, और जो जालिम उन पर मुसल्लत हो चुका है उसे नस्त नाबूद हो जाए, उसे नस्त नाबूद अल्लाह कर दे। आप ये दुआ कीजिए, और इसी के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर फैलाएं, ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुँचे।